कार आज हमारे सामने है पल्सर N160 न्यू कैरेबियन ब्लू कलर में, और मैं करने वाला हूँ इस बाइक का 250 ml पेट्रोल में सिटी माइलेज टेस्ट, और दूसरी बॉटल में करीब 250 ml पेट्रोल। इसे आप देख लीजिए, माइलेज टेस्ट के बाद मैं आपको ये बॉटल फिर से दिखाऊंगा। पेट्रोल डालने से पहले आपको एक बार बाइक स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप पल्सर N160 बाइक लेना चाह रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि उस बाइक में आपके सिटी में आपको कितना माइलेज मिल सकता है, तो आज का वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं आज हमारे सामने खड़ा है पल्सर N160 का न्यू कैरेबियन ब्लू कलर, और मैं करने वाला हूँ इस बाइक का सिंगल राइड में सिटी माइलेज टेस्ट। और आपको बताना चाहूंगा कि इस बाइक को मैं आपके लिए लेके आया हूँ न्यू वेब बाजार से। शोरूम के एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो बाइक के फ्यूल टैंक में दोस्तों काफ़ी कम पेट्रोल है, तो जहाँ पर पेट्रोल खत्म होगा वहाँ पर हम इसमें माइलेज टेस्ट के लिए पेट्रोल डालेंगे। तो आइए चलते हैं माइलेज टेस्ट पर। तो फाइनली दोस्तों बाइक के फ्यूल टैंक में लगता जितना ही पेट्रोल था वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि बाइक झटके ले रही थी इसलिए मैंने बाइक को रोक दिया। और आपको दिखाने के लिए मैं इसमें दो बार सेल्फ ले रहा हूँ, एक बार और ट्राई करते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, तो आइए इसमें माइलेज टेस्ट के लिए पेट्रोल डालते हैं। आप सभी ने देखा दोस्तों बाइक के फ्यूल टैंक में पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, आज हमारे सामने है पल्सर N160 न्यू कैरेबियन ब्लू कलर में, और मैं करने वाला हूँ इस बाइक का 250 ml पेट्रोल में सिटी माइलेज टेस्ट, और दूसरी बॉटल में करीब 250 ml पेट्रोल। इसे आप देख लीजिए, माइलेज टेस्ट के बाद मैं आपको ये बॉटल फिर से दिखाऊंगा। पेट्रोल डालने से पहले आपको एक बार बाइक स्टार्ट करके दिखा रहा हूं, एक बार और ट्राई करते हैं। तो आप देख रहे हैं बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है, और अभी इसके ऑडोमीटर में रीडिंग है 24 जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसके ट्रिप 1 और ट्रिप 2 को मैंने 0.0 पे कर दिया है। तो आइए इसमें पेट्रोल डाल देते हैं। तो आपने देखा दोस्तों बाइक स्टार्ट हो चुका है, तो आइए चलते हैं पल्सर N160 को लेके सिंगल लाइन में सिटी माइलेज टेस्ट पर। और मैं आज इसका स्पीड रखूंगा 50-55 किलोमीटर पर आवर, और देखेंगे इस स्पीड में हमें इस बाइक में कितना माइलेज मिलता है। I can't see.
फाइनली दोस्तों बाइक के फ्यूल टैंक में हमने जो पेट्रोल डाला था मालेस्टर्स के लिए लगता हो खत्म होने वाला है। बाइक झटके ले रही थी इसलिए मैंने बाइक को रोक दिया है और आपको दिखाने के लिए मैं इसमें दो बार सेल्फ ले रहा हूँ। एक बार और ट्राई करते हैं। तो आप देख रहे हैं बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है और आज हमें दोस्तों काफ़ी अच्छा माइलेज मिला है सिटी राइड में भी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं इसके ऑडोमीटर में रीडिंग है 37, जब हम निकले थे तब रीडिंग था 24 और इसके ट्रिप वन में रीडिंग है 12.9 और एवरेज शो कर रहा है 57 KMPL का और ट्रिप टू में भी रीडिंग है 12.9 और इसमें भी एवरेज शो कर रहा है 57 किलोमीटर पर लीटर का। और ये रहा दोस्तों वो 250 ml पेट्रोल जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाया था और आप देख रहे हैं इसमें पेट्रोल उतना ही है जितना पहले था। और अब मैं इस पेट्रोल को डाल देता हूँ रिटर्न जाने के लिए। आज के वीडियो में दोस्तों आप सभी ने पल्सर N160 का सिंगल एंड में सिटी माइलेज टेस्ट देखा जिसे मैंने अपने जमशेदपुर सिटी के अंदर माइलेज टेस्ट किया है। वीडियो की शुरुआत में आपने देखा कि आज मैं इस बाइक का माइलेज टेस्ट 250 ml पेट्रोल में किया था और माइलेज टेस्ट में जब निकल रहे थे तब इसके ऑडोमीटर में रीडिंग था 24 और ट्रिप 1 और 2 को मैंने 0.0 पे कर दिया था। माइलेज टेस्ट करते वक्त आपने अगर वीडियो स्किप नहीं किया होगा तो आपने देखा होगा कि आज मैंने इस बाइक को काफ़ी ट्रैफिक में भी राइड किया और जहाँ ट्रैफिक नहीं था वहाँ पर स्पीड 50-55 किलोमीटर पर आवर मैंने रखा था। और माइलेज टेस्ट करते वक्त जब इसके फ्यूल टैंक में पेट्रोल खत्म हुआ तब इसके ऑडोमीटर में रीडिंग था 37 और इसके ट्रिप में रीडिंग था 12.9। तो अगर मैं इसे इनटू 4 करता हूँ तो आज हमें इस बिल्कुल न्यू बाइक में 1 लीटर में माइलेज मिला है 51.6 KMPL का, जो देखा जाए तो बिल्कुल न्यू बाइक के हिसाब से बहुत ही अच्छा माइलेज है। और आपने देखा कि आज मैंने माइलेज टेस्ट 250 ml पेट्रोल में किया था, तो अगर मैं आज इस बाइक का माइलेज टेस्ट 1 लीटर में करता तो हो सकता था मुझे आज इस बाइक में बहुत ही आराम से 54 या 55 तक का माइलेज देखने को भी मिलता। तो आप मान के चलिए कि अगर आप इस बाइक को ले रहे हैं और आपके सिटी में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है तो हो सकता है आपको इस बाइक में 45 से 50 के बीच में माइलेज देखने को मिलेगा और ट्रैफिक कम रहता है तो आपको इस बाइक में 50 प्लस का माइलेज भी देखने को मिल सकता है जैसे मुझे मिला। और आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैं इस बाइक का 75 से 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में एक हाईवे माइलेज टेस्ट भी कर चुका हूँ। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा। और हाईवे में भी राइड करते हुए मुझे इतने हाई स्पीड में भी काफ़ी अच्छा माइलेज मिला था, इसलिए बोल रहा हूँ आप वीडियो को जब भी फ्री हो तब देख लीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल मैंने इसे हाईवे में राइड किया था, आज मैंने इसे सिटी में राइड किया है। तो आइए जल्दी से आपके साथ अपना छोटा सा राइडिंग एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इस बाइक की सीटिंग पोस्चर की। जैसा कि आप देख रहे हैं बाइक में बैठने के बाद आपको इस बाइक में काफ़ी अच्छा सीटिंग पोस्चर मिलता है और जिस वजह से आप इस बाइक को काफ़ी दूरी तक बिना रुके राइड कर पाएंगे। और आज मैंने इस बाइक को इको स्पीड में राइड किया मगर कल मैंने इस बाइक को हाईवे में राइड किया था करीब 85-90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड तक और मैंने देखा कि इस स्पीड में आपको हैंडल बार में बिल्कुल भी वाइब्रेशन महसूस नहीं होता है। साथ ही बात करें इस बाइक की सीट की तो जैसा कि आप देख रहे हैं बाइक में आपको काफ़ी स्पोर्टी सा 2-पीस में स्टेप अप सीट मिलता है जो देखने में आपको काफ़ी प्रीमियम सा नज़र आएगा। और राइड करते समय मुझे इस बाइक का सीट काफ़ी कंफर्टेबल महसूस हो रहा था, मतलब सीट ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है। और आपको बताना चाहूँगा कि बाइक का सीट हाइट 795 mm रखा गया है, तो अगर आपका हाइट 5'2" भी होगा तो आप इस बाइक को बहुत ही आराम से राइड भी कर पाएंगे। साथ ही बाइक को राइड करते समय आपको इस बाइक का सस्पेंशन भी दोस्तों काफ़ी बेहतर महसूस होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रंट में आपको 31 mm डायर का टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर में आपको मोनोशॉक ऑब्जर्वर मिलता है जिसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों में राइड करते समय इस बाइक का सस्पेंशन काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा था। और ब्रेक के बारे में तो आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS के साथ इसके फ्रंट में 300 mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 230 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है जिसे ब्रेक लगाते समय आपको इस बाइक का ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी बेहतर महसूस होगा और काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि आप बाइक से स्किड वगैरह नहीं करेंगे। और अब बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन की। आप सभी जानते हैं कि बाइक के इंजन में आपको 164.82 cc का 4-stroke 2-valve सिंगल सिलेंडर ऑयल्ड कूल्ड इंजन मिलता है जिसमें आपको मैक्सिमम पावर 16 PS का पावर और मैक्सिमम टॉर्क 14.65 Nm का टॉर्क मिलता है जिसे बाइक में राइड करते समय आपको इस बाइक में बहुत ही अच्छा पिकअप मिलता है। साथ ही राइड करते वक्त आपको इस बाइक का इंजन काफ़ी रिफाइंड और स्मूथ भी महसूस होगा। और आप अगर अपने बाइक को हाई स्पीड में राइड करना पसंद करते हैं तो आपके लिए N160 दोस्तों काफ़ी बेहतर रहेगा क्योंकि बाइक में आपको बहुत ही ज़बरदस्त पिकअप मिलता है और हाई स्पीड में इस बाइक में आपको काफ़ी अच्छा रोड ग्रिप भी मिल जाता है क्योंकि इसके रियर में आपको 130/70 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर मिलता है। इसके अलावा बाइक में काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले तो आपकी सेफ्टी के लिए बाइक में साइड स्टैंड इंजन का टॉप स्विच मिल जाता है। कंसोल में आपको डिजिटल एनालॉग कंसोल मिलता है। बाइक का फ्यूल टैंक काफ़ी मस्कुलर सा है जिसमें आपको 14 लीटर कैपेसिटी मिलता है और टैंक के ऊपर ही USB मोबाइल चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है। हेडलैम्प पे ध्यान दें तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको आई शेप में LED पोजीशन लाइट के साथ इसके हेडलैम्प में प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प और टेल लैम्प में भी आपको LED मिलता है। साथ ही बाइक का सीट पहले ही आप देख चुके हैं, इसमें आपको 2-पीस में काफ़ी स्पोर्टी सा दिखने वाला सीट मिल जाता है।
और साड़ी गार्ड भी आपको इस बाइक में कंपनी फिटेड मिलता है और लेग गार्ड भी आपको कंपनी फिटेड इस बाइक में मिल जाता है। तो आप सबसे दोस्तों बोलना चाहूंगा कि अगर आप अपने लिए कोई 150 या 160 सीसी में कोई भी एक बाइक लेना चाहते हैं तो आप एक बार इस बाइक का पल्सर N160 का भी एक बार टेस्ट राइड जरूर लीजिएगा, क्योंकि जब आप इस बाइक को राइड करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि जो इसमें 160 सीसी का इंजन मिला है वाकई में काफ़ी रिफाइंड है और बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों आपको इस बाइक में पिकअप मिलेगा। और राइड करने के बाद मेरा अंदाज़ा है कि आप इस बाइक को ज़रूर लेना चाहेंगे। तो आप सबसे मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप जमशेदपुर इसके आसपास से हैं और इस बाइक का टेस्ट राइड या फिर इसे परचेस करना चाहते हैं एक अच्छे ऑफर में, तो आप न्यू वेव बजाज में आ सकते हैं। शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। साथ ही दोस्तों मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के और नए वीडियो आप तक पहुंच सके। और इस बाइक का हमारे जमशेदपुर का ऑन रोड प्राइस आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, प्लीज़ उसे देख लें। और बाइक के बारे में आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं।